बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। नॉलेज ऑफ जॉब में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज का जो टॉपिक उसमें शामिल है कि आर्म्ड कोर सेंटर नौशेरा कैंट में जो है आर्मी की तरफ से असामियाँ खाली थी, तो असामी की डिटेल आप जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वह पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि ऐसी जो लेटेस्ट वीडियोज़ होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया। ये फ्रेंड्स आप देख लेंगे आर्म कोर सेंटर नौशेरा कैंट को जर्द जैल असामियों के लिए जो है पाकिस्तान शोरत के हामिल अफराद से दरखास्तें मतलूब हैं। पहले नंबर पे असामी करने में चौकीदार की, इसमें असामी तादाद जो है वो एक और बुनियादी स्किल जो है वो एक और उम्र की हद जो है वो सिविलियन 18 से 30 साल और फौजी रिटायर जो उनके लिए 45 साल तक और कम अज़ कम जो तालीम चाहिए वो प्राइमरी हो और असामी का सूबाई कोटा शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा जो है मस वे हज़ारा डिवीज़न इसमें शामिल है और सेकंड नंबर पे है कुक यूनिट के लिए असामी तादाद जो है वो दो और बुनियादी स्किल जो है वो एक, उम्र की है जो है वो सिविलियन के लिए 18 से 30 साल और फौजी जो है रिटायर्ड के लिए 45 साल तक और कम से कम जो तालीम होगी वो प्राइमरी और खाना पकाना जो है जानता हो। इसमें असामी का जो सूबाई कोटा होगा वो खैबर पख्तूनख्वा है। तो नेक्स्ट नंबर पर है सैनिटरी वर्कर की या खाक रोग की, इसमें एक तादाद है और एक स्किल होगा और 18 से 30 साल जो है वो लोकल के लिए एज की लिमिट है और रिटायर्ड फौजी हजरात के लिए जो है वो 45 साल तक और तालीम जो चाहिए इसमें कम अज़ कम प्राइमरी पास हो और असामी का जो है सूबाई कोटा वो खैबर पख्तूनख्वा है सिवाय हज़ारा डिवीज़न के। तो उसके बाद आप नीचे देखने शरायत वगैरह दी गई हैं, तो 29 अप्रैल जो है 2019 इसकी लास्ट डेट है। तो दरख्वास्त के हमरा जो है 300 रुपये का जो है पोस्टल आर्डर भी इसमें शामिल है। तो उसके बाद ये थी फ्रेंड्स असामियाँ जो आपने देखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।